ये 1950 की बात है कि एक बहुत ही सुंदर सा पहाड़ी इलाका रहता था। उस इलाके में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर से पेड़ पौधे और बहुत सुंदर सी हरियाली रहती थी। देखने के लिए वो एक बहुत ही सुंदर और बहुत खूबसूरत सी जगह थी। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव रहता था। उस गांव में भीम नाम का एक आदमी अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था। बेटे का नाम हरिया और बेटी का नाम झरना था। बहुत सालों पहले भीम की पत्नी को एक मच्छर ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो जहरीली बुखार का शिकार हो गई थी और उसी बुखार की वजह से वो मर जाती है। तब से भीम अपने दोनों बच्चों की परवरिश उसी घर में कर रहा था। भीम उसी इलाके में सब्जी उगाने का काम करता था और फिर सारी सब्जियों को पहाड़ी के नीचे वाले इलाके में ले जाकर बेचा करता था। जो पैसे वो कमाता था, उन्हीं पैसों में उनके जीवन का गुजारा होता था। भीम का बेटा हरिया भी अपनी गाय, भैंस, बकरियां और मुर्गियों को ले जाकर चराया करता था और बेटी झरना एक कॉफी के खेत में जाकर काम किया करती थी और घर का सारा काम भी वो खुद ही संभाल लिया करती थी। अरे वो हरिया, क्या बात है? राजू ने कहा था कि तेरी बकरियां उसके खेत में चली गई थी और उसकी सारी सब्जियों को उसने खा लिया। पता है तुझे कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा झगड़ा किया था और साथ ही साथ हमारी सब्जियों को भी ले गया वो। अरे पिताजी, जब मैं सो गया था ना, शायद तभी ये सब कुछ हो गया होगा। माफ कीजिए पिताजी, आइंदा से ख्याल रखूंगा कि ये सब कुछ ना हो। अरे कोई ना कोई ना, मैं तो बस बताना चाहता था कि कितना बड़ा कांड हो गया था। अच्छा बेटी झरना, वैसे मैं अगले हफ्ते शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ चाहिए हो तो कह देना। पिताजी, मेरे लिए एक नया पैंट खरीद कर लाना। और हाँ पिताजी, बकरियों को चराने के लिए ले जाता हूँ ना, बहुत तेज धूप होती है ना पिताजी, आप ना मेरे लिए वो काला वाला चश्मा भी लाना, जो धूप में भी ठंडा ठंडा नजर आता है। अरे हाँ, लाकर दे दूंगा। वैसे बेटी झरना, तुमने तो कुछ नहीं मांगा, बताओ ना क्या चाहिए? हाँ पिताजी, खाना बनाने का जो मिट्टी का बर्तन था वो तो टूट चुका है ना, तो आते समय एक नया मिट्टी का बर्तन ला देना। अरे ये क्या बात हुई बेटी, जब भी कुछ मांगती हो तो घर की जरूरत की चीजें मांगती हो, कभी कभी अपने लिए भी तो सोचो। अरे पिताजी, मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत ना है, और अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अरे हाँ पिताजी, मैं तो बोलना ही भूल गई, आते समय जंगल से कुछ बांस लेकर आ जाना, मैं उससे एक छोटी सी चारपाई बनाऊंगी। रहने दे बेटी, तू तो ऐसे कुछ मांगेगी नहीं, मैं तेरे लिए नए कपड़े भी लाऊंगा और आते समय में बांस की लकड़ियों को भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? दूसरे दिन भीम जंगल से वो बांस की लकड़ियों को लेकर आता है, जिनको झरना ने लाने के लिए कहा था। उन लकड़ियों को लेकर झरना उस पूरे दिन मेहनत करने लगी और फिर झरना ने उन बांस की लकड़ियों से बहुत सुंदर सी एक चारपाई बनाई थी और जो बांस बच गए थे उसको झरना ने संभाल कर रख दिया था। अरे वाह, ये चारपाई तो बड़ी कमाल की लगती है। मेरी बेटी बहुत होशियार बेटी है। अगर तेरी माँ अभी जिंदा होती ना, तो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती। वो तो ठीक है, लेकिन हरिया, तू क्या करने वाला है अभी? मैं तो इस चारपाई पे सोने वाला हूं आराम से। धीरे
धीरे धीरे उनके गांव की खूबसूरती के चर्चे सारे लोगों के बीच होने लगे, लेकिन ज्यादा लोग वहां नहीं जा पाते थे। जो बहुत ही ज्यादा मालदार और जमींदार लोग होते थे, ऐसे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में वहां आकर उस खूबसूरती का मजा लेते थे, लेकिन बहुत ही कम लोग आकर वहां घूमा करते थे। एक हफ्ते में एक या दो आदमी ही वहां जाते थे, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता था। सारे लोगों के लिए पहाड़ी का रास्ता तय करना इतना आसान नहीं था। एक दिन की बात है कि उस खूबसूरत सी जगह को देखने के लिए एक जमींदार घराने के नए नवेली पति पत्नी निकल जाते हैं। अरे बहना, क्या आज तू मेरे लिए मुर्गी का मांस बनाएगी? हाँ भाई, वो तो मैं बनाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास मिट्टी का बर्तन भी तो नहीं है ना, वो तो टूट चुका है। पिताजी ने कहा था कि वो अगले हफ्ते जाकर लाएंगे, तब मैं तुझे बनाकर दे दूंगी। अच्छा, फिर तो मुझे मुर्गी का मांस खाने के लिए एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। मेरी भी क्या नसीब है, आंखों के सामने मुर्गी है लेकिन खा नहीं पा रहा हूँ। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। अब झरना की सोच उसी बात पर टिकी हुई थी कि वो अपने भाई की इच्छा कैसे पूरी करे, क्योंकि खाना बनाने के लिए उसके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं था। बहुत देर तक वो ऐसे ही सोचने लगी। फिर उसको एक उपाय मिल गया था। उसने सोचा कि जो बांस की लकड़ियां उसने बचाई थी, उनमें अगर मुर्गी का मांस डालकर कुछ खाने के लिए बनाएगी तो कैसा रहेगा। फिर उसने बिना देर किए सारी तैयारी शुरू कर दी थी। झरना ने उस मांस को बहुत अच्छे से धोकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फिर उसको बांस के अंदर डाल देती है और सारे मसाले डालकर थोड़ा सा नमक, मिर्च और फिर नींबू का रस भी उसमें डालती है, और फिर उस बांस को पत्तों से ढक देती है और एक लकड़ी के चूल्हे में ले जाकर उसको रख देती है, और मन ही मन ये प्रार्थना करने लगी कि जैसा उसका भाई खाना चाहता है, इसका स्वाद बिल्कुल वैसे ही रहे, कहीं ये खराब न हो जाए। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। ओ शिट, कार के टायर की हवा खत्म हो चुकी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे पहाड़ी इलाके में ज्यादा लोग घूमने फिरने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन क्या आपने मेरी बात मानी? और उल्टा आपने मुझसे क्या कहा था, याद है ना आपको, कि साहस करो और फल पाओ। यहाँ तो कोई फल भी तो नहीं है जिसको खाकर हम अपना पेट भर सके। अरे अवंतिका, तुम डरती क्यों हो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इधर झरना का खाना बनाना भी पूरा हो गया था। जो उसने अपने भाई के लिए बनाया था, उसने सोचा कि उसका स्वाद कैसा है, एक बार वो खुद भी चख कर देखेगी। जैसे ही उसने उस मांस को चखा, उसे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट है। अब वो उसके भाई के घर आने का इंतजार भी नहीं कर पा रही थी। झरना ने सोचा कि वो खुद ही अपने भाई के पास जाएगी और उसके लिए उसने जो बनाया था वो उसको खिलाएगी, फिर उसका भाई बहुत खुश हो जाएगा। ये सब कुछ सोचकर वो सारा सामान लेकर अपने भाई के लिए निकल जाती है और जाते समय रास्ते में जमींदार की कार खड़ी हुई देखती है। अरे ओ लड़की, सुनो तो, हमारी कार के टायर में हवा खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई मिलेगा क्या हमें जो हमारी सहायता कर पाएगा, कोई बड़े लोग? अरे नहीं, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे पिताजी जंगल गए हुए हैं और मेरा भाई भी यहाँ नहीं है, मैं उसी के पास जा रही थी, लेकिन वैसे वो तो बहुत छोटा है, आपकी वो सहायता नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को वो बुलाकर लाएगा जो आपकी सहायता करेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे क्या यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिलेगा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। उस जमींदार की ये बात सुनकर
झरना को उस पर बहुत तरस आ गया था और जो मुर्गी का मांस उसके पास था वो जल्दी ही निकाल कर कुछ पत्तों में उनको डालकर दे देती है। उसको खाने के बाद अनिरुद्ध वर्मा ने उसकी बहुत तारीफ की थी और अवंतिका ने भी बोला कि ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अनिरुद्ध और अवंतिका ने झरना से ये भी कहा था कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत स्वादिष्ट पकवान तो खाए हैं, लेकिन इतना स्वादिष्ट पकवान उन्होंने कभी नहीं खाया। खाने के बाद अनिरुद्ध ने उस पकवान का नाम बैम्बू चिकन रख दिया था। उन लोगों की बातें चल ही रही थी कि इतने में झरना का भाई हरिया भी वहाँ आ रहा था, उन लोगों को देखकर रुक गया था। फिर झरना अपने भाई हरिया को जो कुछ भी हुआ था सारी बात बता देती है। फिर हरिया ने भी बिना देर किए जो भी उसके दीदी ने उसके लिए बनाया था वो खाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट है और उसको ये बहुत अच्छा लगा, जिसको सुनकर झरना बहुत खुश हो जाती है। उस बैम्बू चिकन को खाने के बाद हरिया भी गांव में जाकर पहचान के कुछ लोगों को बुलाकर लाता है और उस जमींदार की पूरी सहायता करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन अनिरुद्ध वर्मा अपने सारे दोस्तों को लेकर फिर से झरना के गांव पहुंच जाता है और झरना के यहां पहुंचकर सारे लोगों को उसके हाथ के बनाया बैम्बू चिकन भी खिलाता है। झरना का बनाया बैम्बू चिकन खाने के बाद सारे लोगों ने बहुत तारीफें की थी कि इतना स्वादिष्ट चिकन तो उन लोगों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। सारे लोग झरना के बनाए बैम्बू चिकन से बहुत खुश थे और जाते समय उन लोगों ने कुछ पैसे भी झरना को दे दिए थे। जमींदारों के लिए ये पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन झरना के लिए ये पैसे बहुत ज्यादा थे। इस तरह धीरे धीरे समय बदलता गया और उनके गांव की खूबसूरती के चर्चे सारी दुनिया में फैलने लगे। फिर दूर दूर से लोग उस खूबसूरत से गांव को देखने के लिए बहुत दूर दूर से सफर करके आया करते थे और जो कोई भी झरना के गांव पहुंचता था झरना का बनाया बैम्बू चिकन खाए बिना तो वहां से कोई नहीं जाता था, क्योंकि झरना का बनाया बैम्बू चिकन इतना फेमस जो हो गया था। झरना ने बिना सोचे समझे अपने भाई के लिए जो बैम्बू चिकन बनाया था ये काम तो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो गया था, क्योंकि उसके बनाए बैम्बू चिकन की तारीफें बहुत दूर दूर तक हो गई थी। उसके बैम्बू चिकन के चर्चे सुनकर सारे लोग जो कोई भी उस सुंदर से गांव को देखने के लिए आते थे वो सारे ही लोग झरना के पास बैम्बू चिकन खरीद कर खाया करते थे। इस तरह झरना ने बहुत सारे पैसे भी कमाने शुरू कर दिए थे। उनकी जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगी।